हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे तो अजाब हो रहा था, चंद घंटों के बाद गुजरे तो वहीं रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। हजरत ईसा अर्ज करने लगे, मौला मेरी मजाल नहीं, मैं पूछूं, चंद घंटे पहले यहाँ अजाब था, अब यहीं करम हो रहा है। अल्लाह, अब इसने कोई नेक अमल किया तो है नहीं, कब्र में तो अमल खत्म हो जाता है, इतना करम कैसे? तो रब करीम ने फरमाया, मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, सजा का हकदार था, पर जब इंतकाल इसका हुआ तो बीवी उससे पहले हामला थी, इसके इंतकाल के 2-4 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर उस बीबी ने बच्चा पाला, आज 4.5 साल का बच्चा मकतब गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, इसके बच्चे ने तोतली जुबान पे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मुझे हया आई है कि इस बेचारे को अभी लफ्ज नहीं अदा करने आते, जमीन पर बैठकर ये तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं इसके बाप को सजा दूं। बस बच्चे ने एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मैंने बाप के सारे गुनाह माफ फरमा लिए।